दिल्ली के पंजाबी बाग शमशान घाट में कार पार्किंग की आधारशिला रखी गई है और इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचा दे। इस अवसर पर एमसीडी के विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार, बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, नरेश कुमार मुख्य सचिव, एमसीडी के आयुक्त ज्ञानेश भारती, एमसीडी समेत कई अधिकारी मौजूद। ने बताया कि दिल्ली में जिस प्रकार से लगातार पार्किंग की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या मानी जाती है, इसके मद्देनजर इस प्रकार की पार्किंग ऐसे संविधान अनिवार्य है, भविष्य में इस प्रकार की पार्किंग को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पार्किंग में सैकड़ों गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। एसडीएमसी कमिश्नर ज्ञाने के साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है, बात करते हैं सीधा इनके साथ। आज माननीय के द्वारा यहाँ एक मल्टी लेवल पजल पार्किंग का शिलान्यास किया जाए। कैपेसिटी 225 कार पार्किंग है, इसकी लागत लगभग 30 करोड़ रुपये होगी। ये क्रीमेशन में आने वाले जो लोग हैं उसके साथ साथ जो भारत दर्शन पार्क में और कितनी कार पार्किंग आपको बनाने कार पार्किंग की कई हमारी परियोजना भी चल रही है अभी। हाँ, ये कई जगह पंजाबी बाग क्लब रोड पर भी है, यहाँ भारत दर्शन पार्क के साथ एक और मल्टी लेवल पार्किंग की परियोजना है, वो भी चल रही है, उसमें लगे। तो देखिए स्पेशल अधिकारियां अश्विनी कुमार जी हमारे साथ मौजूद है और इस समय पंजाबी बाग में मैं मौजूद हूँ जहाँ इनोग्रेशन किया जाता है। बात करते हैं सीधा अश्विनी कुमार के साथ। सर, आज के लिए कुछ बताएं। यहाँ पे चूँकि शमशान घाट है और बगल में हमारा एक पार्क बना हुआ है जिसमें ढेर सारे मॉन्यूमेंट हैं, यहाँ पर पार्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई थी और एमसीडी ने इस जगह को जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इसको पार्किंग के लिए चुना है। स्वचालित पार्किंग होगी, करीब 225 इसमें व्हीकल समा सकती हैं और इसका वर्क ऑर्डर हो गया है, आज इसका इनॉग्रेशन है। करीब एक साल में ये पार्किंग तैयार हो जाएगी और एमसीडी को विश्वास है कि इसके होने से जो यहाँ पे लोग आते हैं पार्क में या क्रिमेशन राइट्स के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए एक भारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। किस तरह के और पार्किंग जो है बनाने की क्या आगे भविष्य में और किस तरह के और पार्किंग बनाई जाएगी? जी हाँ, बिकॉज दिल्ली में पार्किंग की व्यवस्था होना जरूरी है क्योंकि यदि पार्किंग नहीं है तो जहाँ जहाँ पे हमें स्पॉट उपलब्ध हैं वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं पार्किंग बना जो जगह है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करें और जहाँ जहाँ पे बनी है मेरा लोगों से अनुरोध है कि वो पार्किंग में जगह पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये अवेयरनेस होना लोगों में बहुत ज़रूरी है। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए ये थे मेरे साथ स्पेशल अधिकारी अश्विनी कुमार। पंजाबी बाग में एक पार्किंग के लिए जो है शिलान्यास रखा जाता है, पार्किंग स्वचालित पार्किंग के लिए एक शिलान्यास रखा जाता है, न्यास के लिए यहाँ खुद एलजी साहब यहाँ मौजूद होते हैं और इनोग्रेशन के लिए उनके संदर्भ में इनोग्रेशन किया जाता है। जनतंत्र टीवी के लिए अफशा खान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं इनके साथ। सर, सबसे पहले तो आज एक जो है शमशान घाट में एक स्वचालित कार पार्किंग का उद्घाटन उसका आधारशिला रखी गई थी, उसके विषय घाट के बराबर में यहाँ के लोगों का जब क्योंकि ये तो ऊपर में ये शमशान घाट बना हुआ है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपना कार्यक्रम को करने के लिए जी। उनके सारे प्रयास मेहनत से जब ये डिप्टी मेयर थे तब ये यहाँ पर योजना को यहाँ पर लेके आए, 32 करोड़ रुपए की लागत से ये मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है जिसका शिलान्यास हमारे उपराज्यपाल जी ने। खूबसूरती का एक यहाँ प्रतीक बनता है भारत और कितने तरह के इस तरह के पार्कों का आप सौंदर्यकरण करने वाले हैं? हाँ, अभी एमसीडी के जो हमारे कमिश्नर है वो बता रहे थे कि इसके अलावा 2-3 ऐसे पार्क और भी बना रहे हैं जिससे दिल्ली वालों को लाभ मिले। चुनाव की यदि बात की जाए तो जब जो है अभी उसमें 3 एमसीडी थी, अभी उसमें एक बन रही है। एक आखिरी सवाल लूंगी कि मैम जी, बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल लूंगी कि हमारा जनतंत्र टीवी जो है 5 साल पूरे कर चुका है, शुभकामनाएं चाहूंगा। मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए ये थे मेरे साथ सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, मेरे साथ इस समय मौजूद थे जो कि समस्त तरह की बताते नजर आए, क्योंकि आज इस समय पर जो है यहाँ एक सौंदर्यकरण भारत दर्शन सौंदर्यकरण पार्क के साथ शमशान घाट के बराबर में जो है स्वचालित पार्किंग की एक आधारशिला को भी रखा जाता है। तो तमाम तरह के एमसीडी के उच्च अधिकारी यहाँ पर उपस्थित होते हैं जिसमें यहाँ मुख्य तौर पर जो है एलजी यहाँ उपस्थित होते हैं, साथ में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आते हैं। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अफशा खान। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस
any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।